और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की, जो कि एक और जान निकल गया है। मरने वालों की तादाद 831 हो गई। शहर में कोरोना के 40 नए केसेस सामने आ गए। मुतासर अफराद की तादाद 47,838 हो गई। पंजाब में 183 नए केसेस सामने आने पर तादाद 94,223 हो गई है। बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बिलाल चौधरी, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी बिलाल चौधरी, अदाद और शुमार के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में कोरोना वायरस के जो कंफर्म केसेस हैं, इनमें वाजे तौर पे जो कमी है ये देखने में आ रही है। उससे 24 घंटों के अंदर पंजाब भर में 183 नए केसेस सामने आने के बाद पंजाब भर की जो मजमूई तादाद है वो 94,223 तक पहुंच गई है। इसी तरह शहर लाहौर भी, जो कि तमाम शहरों में सबसे ज्यादा मुतासर था, इनमें भी बदस्तूर जो केसेस आई हैं सामने आ रहे हैं। और अब तक गुजरे 24 घंटों के अंदर इस वक्त शहर लाहौर में तकरीबन 40 के करीब जो मरीज है वो नए सामने आए हैं, जबकि ननकाना साहब में 4, शेखपुरा में 1, रावलपिंडी में 16, अटक में 4, चकवाल में 2 और गुजरावाला में 17 केसेज सामने आए हैं। इसी तरह कोरोना वायरस से जो है पंजाब भर में 2 अफराद जहाँ भाग हुए हैं, जिसके बाद पंजाब भर की जो मजमूई तादाद है वो 2,166 तक पहुँच के, जबकि शहर लाहौर में भी दूसरा 24 घंटों के अंदर 1 जो अफराद है कोरोना वायरस से जहाँ भाग हुआ है, जबकि दूसरी जानब कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद में भी बदस्तूर और तेजी से इजाफा जारी है। और अब तक 86,240 अफराद कोरोना वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं। जी बिलाल चौधरी, शुक्रिया अपडेट करने के लिए।